अगर आप डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ देखना पसंद करते हो तो नेटफ्लिक्स पे एक न्यू सीरीज़ आई है जिसका नाम है क्वीन क्लियोपात्रा। डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है, 4 एपिसोड की है, 45 मिनट्स तक की एपिसोड की लेंथ है और सीरीज़ जो है वो हिंदी डबिंग में नहीं है, इंग्लिश ही है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप सीरीज़ को देख सकते हो, हिंदी डबिंग में नहीं है। और सीरीज़ जो है वो इतनी ज़्यादा बोरिंग लगी ना मुझे देखने में, सीरीज़ की जो कहानी है वो भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। और एक बात और कहना चाहूँगा, इस सीरीज़ को फैमिली के साथ तो देखने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। सीरीज़ में बहुत सारे रोमांटिक सीन हैं तो फैमिली के साथ बिल्कुल भी मत देखना। भले आपकी पूरी फैमिली को इंग्लिश आती हो और कितनी भी आपकी फैमिली मॉडर्न हो, फिर भी मत देखना मैं फैमिली के साथ। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ एंटरटेनिंग होती है पर ये सीरीज़ मुझे इतनी ज़्यादा बोरिंग लगी, मतलब नेटफ्लिक्स की ना अब तक की सबसे ज़्यादा बोरिंग सीरीज़ में से एक है ये क्वीन क्लियोपात्रा। इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी मुझे देखने में और कहानी भी इतनी ज़्यादा अच्छी थी नहीं कि ये क्वीन क्लियोपात्रा की कहानी बताई गई थी। ये जब छोटी रहती है 17 साल की, इसका बाप गुजर जाता है, फिर इसकी कम उम्र में शादी हो जाती है और बच्चे हो जाते हैं, ऐसा ही सब दिखाया गया है सीरीज़ में और इतनी ज़्यादा एंटरटेनिंग नहीं है। अगर आपने क्वीन क्लियोपात्रा सीरीज़ देखी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स पे जाके देख लो, हिंदी डबिंग में अवेलेबल नहीं है, इंग्लिश ही है, तो इंग्लिश में आती है तो देख सकते हो।